हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरे चैनल में, मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोग को सिखा रही हूँ ऑर्गेंजी कपड़ा का माला कैसे बनाते हैं। तो ए टू जेड मैं आप लोग को स्टार्टिंग से सिखाऊंगी, कैसे काटिंग करना है, कैसे मोड़ना है, फोल्ड करना है, कैसे उसको धागे से बांधना है, सब कुछ मैं आप लोग को ए टू जेड स्टार्टिंग से सिखाने वाली हूँ। तो जो जो कोई मेरे वीडियो में नए हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिए, तभी जाके आप लोग को कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग का अगर ऑर्डर देना है तो आप लोग ऑर्डर दे सकते हैं मेरे नंबर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा, देखिए मैं इतना बना पहले से बनाई हूँ ऑर्गेंजी कपड़ा का। फ्लावर देखिए कितना सुंदर लोग रहा है। यही फ्लावर, यही डिजाइन मैं आप लोग को आज स्टार्टिंग से सिखाऊंगी। और ये बहुत सिंपल डिजाइन है, तो स्टार्टिंग से ही वाला सीखेंगे। तो ये वाला सिखाऊंगी मैं आप लोग को। तो चले चलिए कैसे इसको कटिंग करते हैं स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। मैं यहाँ पे पिंक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन ली हूँ। तो चलिए मेरे वीडियो में अंत तक रहिए, तभी जाके आप लोग जान पाएंगे। तो देखिए ये रहा ऑर्गेंजी कपड़ा, और इसको मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ। देखिए मैं यहाँ पे स्केल के मदद से यहाँ पे मेजरमेंट ली हूँ, आप लोग टेप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर 7 cm यहाँ मेजर करके ऐसे फोल्ड की हूँ। देखिए फोल्ड करके स्टेप वन फोल्ड की हूँ, फिर उसको मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ। देखिए ऐसे कट करके निकाल देना है, उसको कटिंग करना है। तो ये बहुत इजी है, आप लोग बना सकते हैं घर में। तो ये साइज से नहीं रहता है, इसको साइज करना पड़ता है। तो ये देखिए नीचे से दोनों को पकड़ के ऐसे प्रेस कर देने से ऊपर ले जाएंगे, प्रेस करके तो वो पूरा साइज में आ जाएगा। ये रहा, ऐसे करना है, वो साइज में अपने आप आ जाएगा। फिर ये देखिए ये ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का ऐसे मोड़ना है। अभी हम लोग फोल्ड करेंगे, वन फोल्ड की, देखिए ऐसे करके फिर लगा के उसको दूसरा फोल्ड। देखिए कैसे की, वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे करके मोड़ते जाना है। ये तो आप कैसे फोल्ड करते हैं आप लोग सीख गए। और एक दिखाती हूँ आप लोग को, ये नीचे का दोनों को पकड़ के नीचे से प्रेस करते ऊपर जाने से वो आराम से अपने आप साइज में आ जाएगा।
दिखाती हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव, जितना होगा आप कीजिए। ये रहा फोल्ड करने का प्रोसीजर, प्रोसेस हो गया फोल्ड करने का। अभी इसको हम लोग फिर से कटिंग करेंगे। ऐसे फोल्ड की कर दिए, अभी एक ही बार दोनों साइड से कटिंग कर देंगे तो फिर वो पार्ट पार्ट हो जाएगा। बस ये देखिए बीच का जो है वो नहीं हुआ होगा कटिंग, उसको फोल्ड किए थे, उसको कट लगाएंगे। ये देखिए फिर वैसे ही इसको भी करना है, बीच से इधर कटिंग हुआ, फिर इधर से कटिंग होगा बीच का। ये बस हो गया, अभी इसको फिर फोल्ड करना है हम लोग को। ये कुछ काम का नहीं, इसको रख देते हैं नीचे। देखिए अभी मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। हम लोग को अभी कोना कोना का देखना है, कोना कोना दोनों चारों कोना, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, थोड़ा सा मोड़ना है, इधर मोड़े अभी उधर का, दोनों को नहीं सटाना है, थोड़ा थोड़ा मोड़ देने से हो जाएगा। फिर ये दोनों को देखिए, वन टू, वन टू थ्री हो गया। वन टू थ्री फोर हो गया, बस ऐसे ही। और एक करके दिखाती हूँ आप लोग को। वन टू थ्री फोर, उड़ के चला गया, ठीक है। और एक करके दिखाती हूँ। वन टू थ्री फोर, ये सीख गए, चलिए ये भी सीख गए। फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ये दोनों कोना को अभी थोड़ा सा मोड़ेंगे, फिर दबा के प्रेस करके पीछे लेंगे, फिर आगे दबाए, फिर पीछे लिए, फिर आगे प्रेस करके, वैसे ही इधर साइड इधर प्रेस किए कोना को, फिर पीछे लिए दबा के, फिर आगे आगे। ये देखिए वैसे ही, देखिए कोना को थोड़ा पकड़े, फिर उसको बेंड किए, फिर पीछे, फिर आगे, बस पूरा आराम से हो जाएगा। वन टू थ्री हो गया। देखिए ध्यान से, अब आपको पता चलेगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये देखिए बस ऐसे ही अपने आप हो जाएगा। अभी रहा
इसको धागा से टाई करेंगे, बांध देंगे, तभी जाके फ्लावर बनेगा। ये तो उसका पेटल, पेटल मतलब उसका कली है, उसको फिर धागा से बांधेंगे तभी जाके ये फ्लावर बनेगा। तो एक लिए एक साइड से पकड़ के मोड़ना है, कोन जैसे हो जाएगा, कोन। ये रहा, फिर इसको सूता से बांधेंगे, अच्छे से टाइट से पकड़ना है, नहीं तो ये धागा है ये जो निकल जाएगा, निकल जाएगा तो फिर सब फ्लावर पेटल्स जितना होगा सब बिखर जाएगा। तो वैसे टाइट से इसको टाई करना है। तो एक रहा बीच का, और फिर अभी हम लोग देंगे एक उसमें। हाँ देखिए कैसे मैं कैसे पकड़ी, कैसे टाई कर रही हूँ, ये रहा। फिर वैसे ही सेकंड पेटल जो देंगे, देखिए उससे थोड़ा लग के है, कैसे बैठा रही हूँ उसको देखिए। फिर थर्ड वाला जहाँ लास्ट किए थे उसी को लगा के थर्ड वाला देंगे। फिर लास्ट कौन था, ये वाला था। एक साइड से अगर आप लोग इसे कर करके लेंगे तो अच्छा दिखेगा। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग जितना ठू चाहे उतना ठू कली दे सकते हैं। अगर बड़ा आपको चाहिए, बड़ा फ्लावर चाहिए तो ज़्यादा दे सकते हैं, 8-9 ठू दे सकते हैं। छोटा बनाना है तो 6 ठू ऐसे देंगे अपना हिसाब से, बड़ा छोटा करके आप लोग टाई करें। देखिए कितना सुंदर सा बन गया, दिखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। फिनिशिंग आना चाहिए थोड़ा, और आप लोग करते करते आपका भी फिनिशिंग हो जाएगा।
आप लोग ऑर्डर देना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देखिए यहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, या फिर कॉल कर सकते हैं, कुछ भी। ऑल इंडिया आप जहाँ से भी ऑर्डर देंगे आप लोग दे सकते हैं ऑल इंडिया। और आज के लिए इतना ही, आप इतना सीख गए होंगे, आप लोग घर में ट्राई कीजिए बनाने, पहले फ्लावर कटिंग कैसे करते हैं, फिर फ्लावर इतना तो बनाइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा आप लोग को दिखाऊंगी, पूरा फ्लावर बनाने का, माला बनाने का पूरा हम लोग बताऊंगी आपको। और अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घर में सीखिए खुद बना के, और अपने परिवार के लिए छोटा मोटा ऐसे सीखते सीखते ही हो जाएगा। हाँ तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा बताऊंगी, दिखाऊंगी आप लोग को। तो चलिए बाय बाय। हाँ, और एक यही बनाई थी मैं पहले से पिंक वाइट में, तो मैं वो आप लोग को दिखाऊंगी लास्ट में। तो आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग, मैं भी जानना चाहती हूँ आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी अच्छा अच्छा डिजाइन माला बना के डिजाइन दिखाऊँ, माला बना के भी दिखाऊँ। और चलिए फिर वो वाला फ्लावर मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत प्यारा लुक आ रहा है इसका पिंक वाइट में, उसी में देखिए। तो आप लोग ऑर्डर देना चाहते हैं तो ऑर्डर दे सकते हैं। चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।